बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कुदरत बेनिफिट में। आज आपके लिए है एक बेहतरीन वीडियो। मैं आज को आपको बताने वाली हूँ 5 बेनिफिट्स ऑफ नारियल पानी। डू कमेंट एंड बताइए मुझे कि किस किस को नारियल पानी बहुत पसंद है और नारियल पानी आप कब कब पीते हैं, यानी आपको क्या पता है कि किस चीज़ के लिए हम नारियल पानी का सेवन करते हैं ताकि हमारी बॉडी पे वो अच्छे से असर करे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से कर लीजिए और साथ ही साथ मुझे बताएं कि आपको वीडियोस किस तरह के लग रहे हैं। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मुझसे और मुझे कमेंट करके आप अपने पसंदीदा टॉपिक्स भी बताएं। नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलो जी सब शुरू कर लेते हैं वीडियो। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कौन सी खूबियां होती हैं नारियल पानी में जो ये इतना अच्छा और पसंदीदा होता है सबका। नारियल पानी की अगर हम बात करें तो इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे शरीर से विषैले तत्व जो होते हैं वो निकाल देता है। इसके अलावा इसमें पाया जाता है एमिनो एसिड जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है और विषैले तत्व जो होते हैं उसको निकाल देता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 फायदे। सबसे पहला फायदा, भाई स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। अगर आप नारियल पानी का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, स्किन व्हाइटनिंग के लिए अच्छा होता है। नारियल पानी को अगर आप कॉटन की सहायता से अपने चेहरे पे लगाते हैं तो रिंकल्स नहीं आते हैं। तो देखा ना आपने कैसे ये हमारी त्वचा के लिए अच्छा होता है। दूसरा फायदा है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, यानी गर्भवती महिलाओं के लिए भी नारियल का पानी बहुत अच्छा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को पेट की बड़ी समस्या हो जाती है, कभी कब्जी हो जाती है, कभी गैस बन जाती है, कभी भूख नहीं लगती है, कभी घबराहट होती है, कभी चक्कर आते हैं, कभी उल्टी आती है, और जब ये सब समस्याएं होती हैं तो बड़ी कमजोरी आ जाती है। तो ऐसे में नारियल पानी पियो, एकदम टनाटन मस्त हो जाओ। तो नारियल का पानी एकदम एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आपको नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि शरीर से विषैले तत्व भी निकालता है। अगर विषैले तत्व शरीर से बाहर निकल रहे हैं तो महिलाओं को पेट संबंधी समस्या जो बहुत ज़्यादा होती हैं गर्भावस्था के दौरान वो नहीं होती हैं। तीसरा फायदा है हेयर ग्रोथ के लिए। क्या आप जानते हैं कि नारियल का पानी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है? इनफैक्ट नारियल ही बहुत अच्छा होता है। आप जानते हैं जिन एरियाज में कोकोनट की खेती की जाती है या नारियल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, आपने कभी उनके बाल देखे हैं? एकदम काले, घने, लंबे और एकदम सॉलिड बाल रहते हैं। क्यों? क्योंकि नारियल में इस तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बालों का रंग एकदम काला रखते हैं, बालों को घना रखते हैं, मजबूत रखते हैं और जड़ों से मजबूत रखते हैं। तो नारियल पानी का सेवन अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो बालों की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो नारियल पानी का सेवन शुरू कर दीजिए। चौथा फायदा है वेट रिडक्शन के लिए। दोस्तों वजन कम करना चाहते हैं ना, वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैं लिंक दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखिएगा वेट कम करने के लिए। तो दोस्तों वजन कम करने के लिए भी मैं आपको बता रही थी कि नारियल पानी जो होता है ना वो बड़ा अच्छा होता है। आप जिम वगैरह जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक के लिए जाते हैं या आप रनिंग, योगा जो भी करते हैं, आप अपना कोई भी एक्टिविटी करने से पहले अगर आप नारियल पानी का सेवन करते हैं ना और कंपेयर करके देखिए, अन्य दिनों की अपेक्षा उस दिन आप अपने आप को काफ़ी एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आपका वर्कआउट का जो टाइम होता है ना वो बढ़ जाता है क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है नारियल पानी। और एक्सरसाइज के दौरान भी आप सिप सिप करके अगर इसको पीते हैं तो आपकी बॉडी में काफ़ी एनर्जी बरकरार रहती है, तो आप डंबल शंबल अच्छे से उठा पाएंगे जिम में और भाग भी अच्छे से पाएंगे अगर रनिंग वगैरह करते हैं तो इस तरह से वजन कम करने के लिए, और एक्टिविटी अगर ज़्यादा हो रही है तो वजन अपने आप कम हो जाता है और साथ ही साथ आपको भूख कम लगती है इससे। अगर आपने नारियल का पानी पिया है ना तो एक गिलास नारियल के पानी से 2 घंटे आराम से आप बिना कुछ खाए रह सकते हैं। आप खाली पेट में नारियल का पानी पी के देख सकते हैं, आप ट्राई करके देखो और जिस जिसने ट्राई किया वो कमेंट करके मुझे बताओ। 5वां फायदा है डायबिटीज पेशेंट के लिए। मधुमेह के रोगियों के लिए भी नारियल का पानी अच्छा था, वैसे भी बेचारों को मीठा खाने को देते नहीं हैं हम,
लेकिन नारियल का पानी अगर पीते हैं तो उससे एनर्जी भी रहती है बॉडी में, थोड़ा मीठा के नाम पे भी कुछ मिल ही जाता है उनको बेचारों को, क्योंकि बहुत ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही मीठा नहीं खा पाते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे फूड होते हैं, मैं बताऊंगी आपको कभी तो ये वीडियो बनाऊंगी कि मधुमेह के रोगी कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं बेझिझक। तो नारियल का पानी पी सकते हैं क्योंकि इससे बीपी जो होता है वो भी कंट्रोल होता है। तो ये तो थे मेन फायदे जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर फायदों की बात करें तो कब्जी के लिए बहुत अच्छा, अगर जिनको पेट की प्रॉब्लम है ना, कब्ज रहती है, उनके लिए नारियल का पानी बहुत अच्छा होता है। अगर चेहरे पे काले दाग पड़ गए हैं तो आपको नारियल का पानी पीने के साथ साथ चेहरे पे लगाना चाहिए, ठीक हो जाए। जिनको ना छाइयों की प्रॉब्लम होती है उनको नारियल का पानी और उसके अंदर की कच्ची मलाई दोनों चीज़ें मिक्स करके खानी चाहिए, तो वो मलाजमा की प्रॉब्लम जो होती है ना, ऐसे पिगमेंटेशन जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगर आपको हीट स्ट्रोक यानी धूप से वो उल्टियाँ उल्टियाँ आने लगती है ना, एकदम सन स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं, वो हो गया है, तब भी नारियल का पानी बहुत अच्छा होता है। फीवर जब आता है तब भी नारियल का पानी बहुत अच्छा, पीलिया जब हो जाता है तब भी ये बहुत अच्छा होता है। तो देखा ना आपने कितने सारे फायदे हैं नारियल के पानी के। तो नारियल का पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो आप मुझे बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ मुझे बताते भी रहिए कि किस तरह से मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव करूं। और लाइक का बटन दबा के जाया करो, वीडियो सारा देख लेते हैं, लाइक करना आप भूल जाते हैं। और कमेंट भी किया करो, प्रश्न कोई है तो वो बिंदास पूछो। तो आपने क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, वीडियोस को शेयर करना है अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए ना यार। अभी इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रही हूँ तो फ़ायदा सबको मिलना चाहिए। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बिंदास रहिए, पॉजिटिव रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।